हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अपने इंडियन कुजीन से लेके आई हूँ बहुत ही ज़्यादा हेल्दी टेस्टी साथ के साथ झटपट बनने वाली एक रेसिपी। आज हम बनाएंगे उल्लासनगर की बहुत ही ज़्यादा फेमस दाल सैंडविच की रेसिपी, जो कि दाल और सैंडविच को मिक्स करके बनती है। वहाँ पे स्ट्रीट पे बहुत ज़्यादा आपको ये मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। दाल सैंडविच बनाने के लिए यहाँ पे लिया मैंने एक कटोरी मूंग दाल। इसे अच्छे से मैं वॉश कर लूँगी वाटर में, और जो इसका वाटर है इसे भी मैं अलग साइड में निकाल लूँगी। ये वाटर मैं फेंकूँगी नहीं, ये क्योंकि हमारे जो प्लांट्स होते हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है। तो ये आप कोशिश करा करिए, जब भी आप दाल या चावल वॉश करते हैं अपनी किचन में, तो ये वाटर आप इस तरीके से सेव करके रख लें और अपने प्लांट्स में दे दें, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। इस टाइप से मैं इसे 2-3 बार दाल को वॉश कर लूँगी, और जब इसका वाटर एकदम क्लियर हो जाएगा, ये देखिए वाटर क्लियर हो गया है, और अब मैं इसे 5 मिनट्स के लिए ऐसे ही सोक करने के लिए छोड़ दूंगी। और इसे ज़रूरी भी नहीं आपको सोक करना, आप डायरेक्ट भी इसे बॉईल कर सकते हैं। इसे मैंने बॉईल करने के लिए कुकर में ट्रांसफ़र कर लिया है दाल को। इसमें एक कटोरी दाल में मैं एक कटोरी ही वाटर ऐड कर दूंगी। इसके साथ मैं इसके अंदर ऐड करूंगी पिंच ऑफ हींग। हींग से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, और साथ के साथ हींग डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छी होती है, इस वजह से मैंने हींग ऐड किया। इसके साथ डालूंगी 1 टीस्पून सॉल्ट, और सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके साथ जाएगा पिंच ऑफ हल्दी, आप ये स्किप कर सकते हैं, पूरी तरीके से ऑप्शनल है। और डाला है मैंने इसमें घी। घी से दाल में बहुत अच्छा टेक्स्चर आ जाता है, और जो दाल है वो बाहर भी नहीं निकलती। उसके लिए मैं यहाँ पे एक प्रोसेस कर रही हूँ। यहाँ पे मैं जो कुकर का ढक्कन होता है उसका जो सेंटर वाला होल होता है उसके अंदर ऑयल ऐड कर रही हूँ। इससे क्या होगा, जो कुकर का ढक्कन है वो गंदा नहीं होगा, क्योंकि इस दाल से जब भी आपने बॉईल अगर करी होगी तो आपको पता होगा कि कुकर हमारा बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो अब इसे मैं बॉईल कर लूँगी। एक विसिल लगाऊंगी मैं इस पर हाई फ्लेम पे, और एक विसिल लगाऊंगी स्लो फ्लेम पे। तो जब तक हमारी ये दाल बॉईल हो रही है, कुक हो रही है, तब तक हम अपनी सैंडविच की फिलिंग बना लेते हैं। सैंडविच की फिलिंग बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिए हैं 2-3 बॉइल्ड पोटैटो। इन्हें मैंने पील करके ग्रेट कर लिया था। इसके साथ मैं इसके अंदर ऐड करूंगी फ्रेश कोरिएंडर 2-3 टीस्पून, बहुत अच्छा फ्लेवर देती है। इसके साथ डालूंगी 2-3 स्पून अनियन, चॉप करके फाइनली चॉप करके अनियन ऐड किया। इसके साथ डाला है 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, और इसके साथ मैं ऐड करूंगी ग्रीन चिली 1/2 टीस्पून, और अभी इन्हें अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अनियन को आप थोड़ा सा मैश करते हुए मिक्स कर लीजिएगा, क्योंकि अनियन जो पोटैटो के साथ अच्छे से मिल जाए, क्योंकि अनियन हमारा पीसेस थोड़े बड़े बड़े होते हैं। और अब मैं डालूंगी कुछ मसाले। मसालों में डाला है 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट, सॉल्ट आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, और इसके साथ जाएगा 1 टीस्पून आमचूर पाउडर। और इसके साथ मैं ऐड करूंगी इसके अंदर 1 टीस्पून चाट मसाला ऐड किया है मैंने इसके अंदर, और इसके साथ मैं इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अच्छे से प्रेस करते हुए मिक्स कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है, जो हमारे सॉल्ट हैं उनकी गुठलियां रह जाती हैं, तो वो मुंह में आती हुई अच्छी नहीं लगती। अच्छे से प्रेस करते हुए आप इसे फिलिंग को मिक्स कर लीजिएगा, और ये देखिए अच्छे से हमारी फिलिंग तैयार हो गई है, झटपट बन गई है। और अब क्या करेंगे, इसकी सैंडविच की प्रिपरेशन शुरू करते हैं बनाना। तो सैंडविच के लिए मैंने यहाँ पे लिए होल व्हीट ब्रेड 4 स्लाइसेस। ये मैं आपको पता ही होगा, मैं हमेशा होल व्हीट ब्रेड ही यूज़ करती हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे व्हाइट ब्रेड का भी यूज़ कर सकते हैं, और ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। अब इसके ऊपर मैं लगाऊंगी अच्छे से बटर। बटर का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, और बटर आपको अंदर की साइड लगाना है, जिस साइड आप फिलिंग लगाएंगे उस साइड आपको ब्रेड पर बटर लगाना। और ये देखिए सारी ब्रेड पर बटर लगा लिया है मैंने, और अब मैं रखूंगी इसके ऊपर फिलिंग, जो हमने अभी आलू की फिलिंग बनाई थी, आलू और प्याज की। इसे अच्छे से प्रेस करते हुए मैं सारी ब्रेड्स पे लगा लूँगी, और इसे सैंडविच की तरह बंद कर दूँगी। ये देखिए इस टाइप से क्लोज कर दूँगी, और दोनों ही सैंडविच में बना के रख लूँगी। और इस टाइप से मेरे दोनों सैंडविच बन के तैयार हो गए। अब इसकी आगे की प्रोसेस कर लेते हैं। आगे की प्रोसेस करने से पहले हम दाल चेक कर लेते हैं। दाल का प्रेशर अच्छे से रिलीज हो गया था, आप देख रहे हैं ढक्कन इसका बिल्कुल गंदा नहीं हुआ है। अब मैं दाल को चमचे से अच्छे से मैश कर लूँगी, और मुझे दाल थोड़ी सी गाढ़ी लग रही है। अब मैं इसके अंदर वाटर ऐड करूँगी। तो वाटर आपको हमेशा मैंने बताया, जब भी आप कुक दाल के अंदर वाटर ऐड करते हैं तो बॉयल करके ही ऐड करिएगा, और बहुत ज़्यादा पतली नहीं करनी है आपको ये दाल, जस्ट थोड़ा सा ही वाटर ऐड करिएगा कि इसकी कंसिस्टेंसी इतनी हो कि जब आप इसे ब्रेड के ऊपर डालें तो वो हल्की सी फैल जाए, और ब्रेड को अच्छे से कवर कर ले, और आपको दाल की जो कंसिस्टेंसी है वो इतनी ही रखनी है, ना तो ज़्यादा पतली और ना ही ज़्यादा गाढ़ी। ये तो दाल भी तैयार हो गई है, और अब हम सैंडविच सेक लेते हैं। सैंडविच सेकने के लिए यहाँ पे मैंने जो तवा अच्छे से हीट कर लिया था, और उसके ऊपर बटर ऐड कर दिया, और उसके ऊपर रख दी है ब्रेड पीसेस।
और इन्हें मैं दोनों साइड से बटर लगा के अच्छे से सेक लूंगी कराना होने तक, क्रिस्पी होने तक। आपको ये ब्रेड पीसेस अच्छे से क्रिस्पी करने हैं। ये आप स्लो फ्लेम पे ही कुक करिएगा, हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी मत करिएगा। अगर आपको ये क्रिस्पी बनाने हैं तो हमारी ये वाला सैंडविच बन के तैयार हो गया। और अब मैं इस पर दूसरा सैंडविच बनाने के लिए रख दूंगी। ये देखिए, एक सैंडविच मैंने अलग रख दिया, दूसरा सैंडविच भी इस टाइप से दोनों साइड से सेक लूंगी। तो हमारे सैंडविच भी तैयार हो गए हैं, दाल भी तैयार हो गई है। तो चलिए इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। प्लेटिंग करने के लिए हमने यहाँ पे रख लिया अपना सैंडविच, जो बहुत ही यम्मी लग रहा है, क्रिस्पी है। इसके ऊपर डाल दूंगी मैं दाल। दाल आप गरम गरम ही ऐड करिएगा इसके ऊपर, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसके साथ डाला है चिली फ्लेक्स, ऊपर से जाएगा जीरा पाउडर, चाट मसाला पाउडर, और इसके साथ मैं इसके ऊपर ऐड करूंगी मीठी चटनी। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे है, उसका लिंक मैं आपको आई बटन पे दे दूंगी, तो वहां से जाके आप इसको देख सकते हैं। और इसके साथ मैं इसके ऊपर ऐड करूंगी कोरिएंडर चटनी, मिंट चटनी, इसकी भी रेसिपी मेरे चैनल पे, इसका लिंक भी मैं आपको आई बटन पे दे दूंगी। और डालूंगी बहुत सारा बटर, और डाला है थोड़ा सा अनियन, इसके ऊपर डाला है हमारा भुजिया, और अब मैं डालूंगी थोड़े से फ्रेश कोरिएंडर के लीव्स। इसके ऊपर डाला है पापड़ी एक, और ये हमारी यम्मी सी हेल्दी सी सैंडविच चाट बनके तैयार हो गई है। उल्लासनगर की फेमस स्ट्रीट फूड हमारा बनके घर पे तैयार हो गया है। तो आप भी इसे झटपट बनाइए, अपनी फैमिली को खिलाइए। और अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ आपसे और अच्छी और ईजी रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।